आप देख रहे हैं डेली मिरर। डेली मिरर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की अहम खबर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर पुलिस ने किया हमला। नौगछिया के पत्रकार की पुलिस द्वारा की गई पिटाई। भागलपुर नौगछिया के पत्रकार को पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि नौगछिया के पत्रकार बिहान सिंह राजपूत एसडीओ कार्यालय से पास लेकर घर जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोककर पास दिखाने को कहा। पत्रकार द्वारा पास दिखाने के बावजूद पुलिस के जवान संजीव सिंह ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इस बीच पत्रकार पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा और शराब के नशे में धुत पुलिस लाठी बरसाती रही। पत्रकार के साथ पुलिस द्वारा की गई इस तरह के व्यवहार को लेकर पत्रकारों के बीच भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। घटना के बाद पीड़ित पत्रकार ने बिहार के डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई। हम अभी एसडीओ सर जो हमारे मुकेश सर हैं उनके पास से आ रहे हैं। उनके पास से पास मिला है। इनके साथ में एक पदाधिकारी थे, वो हमको बोले कि आपके पास में पास है। हम उन्हें पास दिखाया, मैंने कोई भी अवैधता नहीं की है। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ कालर पकड़ा, बेरहमी से पीटा है। इनके साथ में देखे और भी इस जगह दुकानदार वाले थे भाई लोग, वो लोग भी देख रहे हैं। मेरे पास में पास है। मैं डीजीपी सर से देखना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, देखिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। हमें पास मिली है, हम लोग रिपोर्टिंग में लगे हैं, किसी तरह का कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं बिहार में, क्या कर रहे हैं सुनिए। एक एंकर के साथ, एक न्यूज एंकर, एक पत्रकार के साथ, जर्नलिस्ट के साथ ऐसा हो रहा है क्या? सर कैसी शासन व्यवस्था है? हम लोग क्या करेंगे? बोल दीजिए, अखबार में लिखना बंद कर देंगे, न्यूज चैनल टीवी में दिखाना बंद कर देंगे। आप हमेशा पत्रकार के साथ ऐसा कर रहे हैं, हमारे सभी सहयोगी साथ में है सर। सर मैं किसी तरह का अभद्रता नहीं किया हूँ, यदि किया हूँ तो मुझे जेल भेज दीजिए, मैं कार्रवाई करने के तैयार हूँ। मुझे बेरहमी से पीटा गया है सर, मैंने कुछ भी नहीं बोला है सर, मैंने कुछ भी नहीं बोला है। ये नशे में है सर और गाली देते हुए बात कर रहे हैं। यहाँ के जो अधिकारी है उनसे भी बात। आज के लिए बस इतना ही। डेली मिरर से जुड़ी खबर देखने के लिए डेली मिरर को अवश्य लाइक एवं सब्सक्राइब करें।